तो सावधान बाबर आजम, क्योंकि विराट कोहली आ रहा है, किंग इज बैक। विराट कोहली इस वक्त एक शेर की तरह शिकार कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा हुआ है और अब विराट कोहली धीरे 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 एक बार फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट रहे हैं। श्रीलंका हो या बांग्लादेश, विराट कोहली की फॉर्म जबरदस्त रही जिसका फायदा उन्हें ओडीआई की रैंकिंग में मिला। ओडीआई की रैंकिंग में अभी इस वक्त बाबर आजम नंबर वन पर चल रहे हैं 887 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद साउथ अफ्रीका के डेसन 766, डीकॉक 759 और कोहली की जो रेटिंग है 750 है और वार्नर 747। टॉप पांच बल्लेबाजों में से विराट कोहली अब जो है वो चौथे नंबर पर आ गए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि शेर अब शिकार पर निकल चुका है। बीते 36 दिनों में विराट कोहली ने 3 सेंचुरी लगाई, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 सेंचुरी लगाई और यही फायदा उन्हें ओडीआई रैंकिंग में मिला, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच में 283 रन बनाए, 141 के ऊपर की औसत, सर्वाधिक उनका 166 रहा, जबकि 2 बल्ले से सेंचुरी भी आई। कोहली को इस प्रदर्शन के बाद फायदा कैसे हुआ, क्योंकि कोहली को यहां पर 4 पायदान का फायदा हुआ और कोहली अब टॉप 5 में आ चुके हैं। पहले कोहली 8वें स्थान पर थे, श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन से उनको फायदा यह हुआ कि अब 8वें से वो टॉप 5 में आ चुके और चौथे नंबर पर बने हुए हैं। तो विराट कोहली का प्रदर्शन जो श्रीलंका के खिलाफ था उसने ये साबित कर दिया, किंग इज बैक, और अब विराट कोहली बहुत जल्द नंबर 1 भी आपको दिख सकते हैं। हालांकि रैंकिंग अपडेट कैसे होती है, रैंकिंग का फॉर्मूला क्या है, वो भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि किस तरीके से रैंकिंग को रिलीज किया जाता है, आईसीसी का जो पैमाना है वो क्या है। तो आपको बताते हैं कि आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग हर सीरीज के बाद अपडेट होती है। 15 जनवरी को भारत श्रीलंका की वनडे सीरीज खत्म हुई, उसके बाद रैंकिंग अपडेट हुई, जिसके बाद 16 जनवरी को वनडे रैंकिंग टीम भी आई और बल्लेबाजों की भी रैंकिंग आई। न्यूजीलैंड की सीरीज जब खत्म होगी फिर से रैंकिंग आएगी, जिसमें ओडीआई की सीरीज होगी तो उसमें ओडीआई की रैंकिंग आएगी, फिर बल्लेबाजों की रैंकिंग आएगी। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि हर सीरीज खत्म होने के बाद आईसीसी जो है वो रैंकिंग अपडेट करता है। लेकिन अब विराट कोहली नंबर 4 पर आ चुके हैं, बाबर आजम को सावधान रहने की जरूरत है और इस रिपोर्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोहली शिकार पर निकल चुके हैं, धीरे 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 वो अपना शिकार कर रहे हैं और जो मंजिल उन्होंने ठानी है उस पर पहुंचने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोहली एक बार फिर से रैंकिंग में नंबर 1 कब बनते हैं। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।